अरे बहू। हाँ पिताजी। अरे बेटा, मैं ये कह रहा था कि मैं बाजार बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ सामान तो नहीं मंगाना? सामान पिताजी, वो सब्जी खत्म हो गई, आप सब्जी लेते आना। बेटा सब्जी अब्जी है तो तू छोड़। देख मैं तो एक बात बताऊँ कि जो भी चीज चाहिए है ना तो मेरे से कहना है, जो भी बाजार से कुछ खाने पीने के लिए, चाट पकौड़ी है, रबड़ी है, रसगुल्ला है। नहीं पिताजी, मुझे ऐसा कुछ नहीं मंगाना, आप सब्जी ले आना बस। सब्जी ना, सुन तो सही। और जी जी घूंघट फूंघट छोड़ वो तो बाबर चूजो सही है, है? अभी देख मैं तेरा ख्याल रखूँ, तू मेरा ख्याल रखेगी, इन बातों में सही है। अब जी मोहल्ला वाले तो है ही ऐसे, अब वो तो खेत पर चलो जा, जो कोई चाहिए बेटा तो मोको बता का चाहिए तू। छोड़िए, अरे तू समझे कर बात को, मैं जो जो कहना चाह रहा हूँ ना वो समझ जा, है? देख जी बाल हैं, इन्हें सही कर रहे कर, तभी तो अच्छी लगेगी मेरे को, है? तो और घर में कौन देखेगा, मैं या लड़का? अब वो तो मैं खेत पे रह रहा तो ख्याल कौन रखेगा, अब मैं ही तो देखूंगा तू को दिन और रात के कहाँ का लानो का रखना है। तो बेटा मैं बाजार जा रहा हूँ तो तेरे लिए रसगुल्ला ले आऊँ और रबड़ी ले आऊँ, बता का लाऊ दोनों में से, कि दोनों ही ले आऊँ, जो खाए वो बता दें। और समझ लिया कि तुम ससुर से ना अपने आदमी से बात कर रही है, मैं तो उससे सपा बताऊँ तो। हाँ जो आपको अच्छा लगे वो ले आओ। और जो पिताजी पिताजी छोड़, और जो घूंघट फूंघट छोड़ दे, यूँ करे कर मेरे सामने, मैं भी तो देखूँ कि हाँ तू है। चल ठीक है, मैं ले आऊँगा, है जो तू तो खाना हो मैं ले आऊँगा। अच्छी चीज ठीक है। अरे नमस्ते ताऊ। अरे राम राम गंगा राम, कहाँ को जा रहे हो? अरे दूध बांटने जा रहा हूँ। दूध बांटने? हाँ, और खुशने जा रहे हो तुम? और क्या खुश तो है यूं मैं तो, गंगा राम दूध बांटने जा रहे हैं। हाँ गंगा राम दूध बांटने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब हम क्या करें, खुश है तो तुम लोग देख के यही कह रहे हो कि बुड्ढो कैसे जवान है गए। अरे अरे तुम बुरा मानने, ऐसी बात मानने, ऐसी बात ना आता। हाँ तो बता भैया, अब ये बता तुम ताऊ, दूध वूध कौन ले रहे? अरे तेरे दूध की क्या करूंगा लेके लाला, कि मेरे घर में तो इतनी भैंसियां हैं और वैसे भी तो तू पानी मिला मिला के सामने चूतिया बना रहा है, तो दास का ताकत फागत आ रही है, घर के दूध में जो बढ़ाई है वो दूसरे दूध में थोड़ी है। तू तो ताऊ मेरी भी तो सुन ले, मैं तो अपनी भैंसियों को खल बिनौले खिला रहा हूँ, तुम कोई खल बिनौले खिला रहे होगे तो तुम्हारी भैंसिया बेकार है, तुम्हारी बिल्कुल बेकार है, तुम मेरा दूध ले हो, तो लेते आयो समझे, तुम्हारे बालक जवान हो गए, अब आके बंद कर दिए, चार भैंसे बांध ली तो तुम सोच रहे हो कि मैं तो भैंसन वाला होएगा, तुम तो घुस खवा रहे हो उन्हें। तो ऐसा है कि देख भैंस हमारे घर की है, पहले तो हम कर ना पाते कुछ भी, जब से तेरी ताई मरी वही करती रहती, अब जो हमारी बहू जो आई है वो सब काम कर लेती है घर के। अच्छा था हमारा ख्याल रखे, हमारे लगता कपड़ा धो दे, हमारा पूरा खाना पीने से ख्याल रखती है। अच्छा? तो हम कैसे ना अच्छे चंगे भाई, पहले तो हमारी कमर यो भी अब हमारी सीधी है रही है, रोटियन पे क्या कमर सीधी है रही है तुम्हारी? अच्छा रबड़ी हलवा मार रहे हो आए दिन, तो वो ये जी पचा खा रहे हो तुम, इस उम्र में कहां से पच जाएगा, कहीं निकल लो है क्या ये रबड़ी और ये हलवा और ये दूध? अरे तू चुप रे, ज्यादा आगे मत, अरे कहीं निकल ले, ऐसा लग रहा है रीढ़ की हड्डी है सीधी होती जा रही है, और देख तनाव तो नीचे बढ़ रहा हूँ, और क्या। चल चल तू अपना काम कर, ठीक है ठीक है, चल क्या कुछ सब बता दूं अपने घर की। पूजा? हाँ जी आई। पूजा? हाँ बोलिए। अरे कहाँ रह रही है, कहाँ अंदर इतनी देर से आवाज लगाए जा रहा हूँ? कुछ नहीं, मैं खाना बना रही थी। हाँ रोटी बन गई? हाँ बन गई। अरे बड़ो काम करो आज भैया खेत में, बड़ो काम करो खेत में भाई आज, मेड़ भेड़ ठीक करी, काटी वो पानी भानी भरायो, वो बात ठीक है। हाँ। पहले खाना खा लीजिए, और मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मोटे बात करनी है? हाँ। क्यों, का नमक मिर्च खत्म है वो घर में? नहीं वो सब कुछ है, लेकिन कोई और बात करनी है मुझे। कोई और बात करनी है? हाँ। तो कोई और बात है तो बता दे भाई, खाने से पहले कर लाऊंगा कोई कछु सब्जी, सब्जी साग सब्जी लेके आनी तो बोल जाऊंगा मैं, बेल फेल पे तो उतार गए। साग सब्जी तो सारे पिताजी ले आए घर पर, हर चीज है घर पे, लेकिन पिताजी के विषय में मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अरे तू बनवा का बात कर रही, पहले लाम रोटी बोटी लगा दी ना। हाँ खाना तैयार है, पहले तुम मेरी बात सुन लो। अभी सुना ही बात, लाई बात ही सुना, बात सुना। वो आज पिताजी सब्जी के लिए बोल रहे थे कि मैं कुछ क्या लेके आऊँ तेरे लिए। हाँ तो सही पूछ रहे वो,
फिर वो मुझसे बोले कि तेरे लिए रबड़ी लेके आऊँ, रसगुल्ला लेके आऊँ, ये लेके आऊँ, वो लेके आऊँ, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे और बहुत ही गंदी नजरों से मुझे छू रहे थे वो। हमारे पिताजी के बारे में ऐसी भावना रखती है तू? है हमारे पिताजी मामले में हमारे पूज्य पिताजी है, वो भगवान के समान है हमारे घर में, और तू उन पे ऐसे मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच बोल रही हूं। आज तो तूने हमारे पिताजी के बारे में बोल दिया है, आए अंदा अगर पिताजी के बारे में तूने सांस भी निकाली तो ये देखा है इसका डंडा ही निकाल कर तुराई करूंगा बुरी तरीके से। और वो लगा दी रोटी, मैं हाथ पैर धो के रोटी खाऊंगा, खराब करती है ये। तो मेरे कोई भी बात नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूं भगवान, मैं इनको कैसे यकीन दिलवाऊं कि पिताजी की नजर अच्छी नहीं है? मैं कैसे बोलूं इनसे, कैसे यकीन दिलवाऊं इनको? मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ अरे रोटी दे दे। हाँ आई आई दीदी। अरे अरे कहाँ जा रही है जो गुनगुनात भाई सी? क्यों ताऊ जी, राम राम। अरे राम राम, राम राम जीती रहे, खुश रखे। अच्छा हाँ। वो तो हम हैं ही, और कहाँ जा रहे हो ताऊ जी? मैं तो पानी लेने जा रही थी अपनी मटकी में। और सुनाओ ताऊ जी, कैसे हो वैसे? बढ़िया हो ना? अरे चिंदा, हम तो सदा बढ़िया ही रहे, मगर दुखी बस बैठे पे भाई जब से तेरी ताई गई। अच्छा हाँ, बस हम जे कहना चाह रहे कि चंदा तू इतनी बड़ी है गई है, और अभी तक तेने शादी ना करी ना मेरी करवाई, तू को इतनी बोना है कि तू जमाने में घूम रही है पानी लेने कि कभी कुछ लेने, तू जमाने की खबर रखते। तो एक मिनट ताऊ जी, बात मेरी शादी की करो तो ठीक है, अपनी शादी की करो तो इस उम्र में तुम्हारे कौन दाग देख रहा है? अरे तू इतना ना जानत के तेरी ताई ना है, वो घर में हम अकेले से ही हैं। वाह, तो ऐसे तो तुम्हारी उम्र के ना जाने कितने रड़ुए घूम रहे, तो ऐसे के तुम्हारी जैसी सोच रखते हैं सब। तो ये तो देख के दुनिया से मुंह का मतलब, अब तू पानी लेने जा रही है बाजार घाट में। हाँ। बाजार से पानी आता है? अरे हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ताऊ जी कि उम्र के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी सटिया गई है। अरे चमेली तू बात सुन मेरी, बोलो। मैं ये चाह रहा हूँ कि तू कोई बात करना चाह रही है तो तू बता अपनी है? मैं क्या बात करना चाहूँ सु? मैं तो कुछ नहीं बात करना चाह रही। अरे तू कुछ खाने पीने को मंगाया था, मैं तुझको ला दूँ, बता। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है ताऊ जी। चंदा तू भी खूब अच्छी है गई है, खा पी के ऐसी कौन सी चक्की को आटो खा रही है चंदा? ताऊ जी हा? क्या बो मैं कह रहा था कि कौन सी चक्की को आटो खा रही है, बड़ी सही सी है रही मैं? मैं उस चक्की का आटा खाती हूँ जो तुम नहीं खाते। तो हमें भी खिला दे बस चक्की को आटा। ना, 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 उस चक्की का आटा बहुत महंगा आता है। अरे तो महंगा खा ही नहीं सकते। तो हमें एक आध किलो ही खवा दे, एक आध तो बढ़ जाएगा हमारा। बो क्या वो? हाँ वो मतलब? अरे तू पागल है, अरे तू समझदार है, सब दुनिया की खबर रखने वाली है। अब रहन दो, इस उम्र में बढ़ा के क्या करोगे उसका? अरे तो बढ़ जाएगा तो कुछ है जाएगा तो अरे उसको कुछ नहीं होने वाला। अब तो वैसे तुम्हारा नाम उनमें आ गया है ताऊ जी, वैसे तो तुम पे बुढ़ापा आ चुका। अरे मैं काहे को बूढ़ा? तुम मुझे ही बात मत कह करके बूढ़ो बूढ़ो बूढ़ो, मैं काहे बात से बूढ़ा बता? मेरे कान है मुंह में कोई खराबी है, कोई दांत टूट गए, मुंह मूड़ गो कका, मुंह फाले से मार गए, ये से मैं बूढ़ा है। अच्छा। जी बात मत कह कर, अभी मैं चाचे लोड़न में खड़े कर देगी ना मुझ पूछ मुड़ा तो नया रोना लगू। उसने शादी तो पहले है गई थी ताई से। अच्छा तो तुम बड़े थे छोटे? अरे जब तो छोटा हो मैं ताई से तो छोटा ही हो, तो ताई तेरी कितनी बड़ी? तुम बड़े थे ताई से छोटे? अरे बड़ा ही हूँगा, छोटा का ही हूँगा मैं ना। तो तुम ये कह रहे हो ना जल्दी शादी हो गई, हम दोनों ही छोटे। ओ चंदा बचपन में ही कांड कर दिए, मतलब कहने का मतलब है कि शादी हो गई, पागल है भैया। सुन तेरी जुगाड़ में कोई होए तो न करवा दे हमारा इल्लो हिसाब। अरे ताऊ तुम्हारा तो सड़ गया दिमाग, और तुम्हारे साथ साथ खड़ी खड़ी मैं भी फालतू की बकवास कर रही हूँ। अरे चमेली तू तो सुनी लेती कम से कम मेरी परेशानी, कितनी परेशान हूँ मैं। कोई तो मेरा इल्लो लगवाओ कहीं। कंकड़िया तोरे मारी गगरिया फोड़ डारी, तोरी पतली कमरिया आए है नग जाएगी मोरी नजरिया। एक बात कहूँ दूधिया,
गाना तो एकदम कतई बहुत बढ़िया गाया तुमने। और तेरी अपना गागरिया को देख के, तेरी कमरिया को देख के मैं ना जानू गाना, बस अंदर से निकल गया। अंदर से क्या निकल गया था? गाना। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ बेच रहे हो अपना दूध? अरे पूछे मत, पूरा गांव मेरे दूध का, बस समझ ले आनंद ले रहे। वाह, तुम्हारे अंदर तो बहुत दूध है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा दूध है। अरे तो भैंस ना है मेरी, गाढ़ा गाढ़ा निकलता भी होगा। अरे बड़ा गाढ़ा दूध है। अच्छा? चीके तो देख। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा दूध नहीं पीना, मैं तो ऑलरेडी मोटी हूँ और मोटी हो गई, तो फालतू में नहीं। ना, ना, मेरे दूध की क्वालिटी अलग है। ना, 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 ना। अरे जिसने दूध पिया वो पतली है, पूछे मत, ईमान से ऐश्वर्या राय की तरह हो जाएगी। अरे चलो ठीक है, अब टाइम मेरा खोटा ना करो। गगरिया फोड़ डारी रे, फोड़ डारी रे। अरे पिताजी। हाँ बेटा। और काले के आए? अरे बेटा का है, मुँह पर काम ही का, घरे घरे पड़े पड़े बैठो रहे तू, मैंने किला साग सब्जी ले आऊ। और रोटी खा ले? हाँ खा लूंगा, घर जाऊंगा। रोटी मैं तो खा के आया हूँ, और रोटी बना के रख दी है बहू ने, है कहा वो रोटी खा ली हूँ। है हाँ, अच्छा खा लूंगा। और कोई बात की चिंता मत करियो, ठीक है बेटा? अरे तू कैसे सुस्त से नजर आ रहा हूँ, करूँ आज तूने मुझसे नजर झुका के यहाँ बात कर रहा है? बस कटू ना, अरे बता। ना ना कोई बात ना। अरे पिताजी कोई बात है, देख हाँ बात ऐसी है कि मैं अब घर में पड़ो पड़ो का अच्छो लगूंगा, बग बेटिन के आगे हैं ना, तो जा से तो मैं ये सोचतूँ कि न कछु खावे पीवे को ले आऊँ तो बालक खा लेंगे। अरे तो अब मेरे का है यहाँ हिलो हिसाब, आज तुम कल ना आऊ। अरे पिताजी मर मरा हो तो बेटा ना ना, तुम कम से कम याद तो रखोगे। ये वाली बात मत बोलो, हम आते हैं, जब तक हम आते हैं तब तक कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें, ठीक है? और रही घर पर रहने वाली बात, तो देखो तुम कौन सो वो कत्तो, तुम्हारे वो आ जाते हैं का है, मिले वाले तो उनके पास बैठे रहे, तो चौपाल में बाहर खटिया बिछाए गए और अंदर वो करते रहते, और अपने जो तुम्हें मकान हो तुम बातें बोल दे करो। अरे भूख आ जाएगी, मैं तो हूँ, मैंने कही कछु ले आऊ खावे पीवे को। ना ना, ना तुम चिंता मत करो, तू काम पे चलो जाते, ठीक है? ठीक है, और मुझे अभी खेत वगैरह देखना है, तो मैं आ रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा रात को, आ जाऊंगा फिर पूछूंगा। है ठीक है भाई, पिताजी से बात करके तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरी बहू ही खराब है, क्योंकि पिताजी पे मेरा शक नहीं है। क्यों? अरे मेरे पिताजी भगवान के समान इतने बढ़िया हैं, इतने अच्छे हैं, मैं उन पर शक नहीं कर सकता, मेरी बहू में ही कमी है। अगर इसने दोबारा मुझसे ऐसी कोई जवान जोरी की बात की ना, तो इसको घर से ही बाहर निकालना है मुझे। अरे बहू, बहू। हाँ पिताजी आई। हाँ पिताजी। अरे जे सामान लेके आयो बाजार से, और वो देख फिर तू जी 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 का करते जी, न्यो रखे कर, मुँह दिखनी तो चाहिए, दिन भर बाहर डोली आयो हैं, अब तू देख वे बहाने, तो मैं कोई बहाना तो टूट दूँ कि हने दिख जाए मुँह कैसी है हैं, तो तू जब जे घूंघट कर लेगी तो मेरा का फायदा है? तो सुन देख, वो तो है का है बाप रो है, वहाँ में ना ढीला भर की अकल, भाई तो यूँ कह दो ना, जा जाके बैठ जा तो भाई जगह में लगो, वो ऐसो बाप रो, तो तेरा ख्याल रखने के लिए मैं हटता हूँ। बेटा देख मैं ये चाह रहा हूँ, 4 साल है गई तुम्हारी शादी है। अरे मैं माऊँ तो चितैन है कि इतकुन यूँ मुँह से बात कर रही है कि जमीन से बात कर रही है, है? मैं कह रहा हूँ 4 साल है गई है, और 4 साल में अभी तक कोई बालक बच्चों ना है, है? और दुनिया का कह रही है तेरे मेरे बारे में, कहन दे हैं, अब तुझे देख फिर कर लो तेने नहीं हो, मेरे माऊँ चिते नहीं हो, मेरी बात समझे कर, मैं का कहना चाह रहा हूँ। तो बेटा मैं ये चाह रहा हूँ कि देख 4 साल में कुछ ना हो बात से, अब जो वो ना दे सके वो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दे दूँ, तो जहाँ मैं सुन तो सही मेरी बात, बात सुन ने कहा ना, मैं कहना दूसरी बात चाह रहा हूँ, तू समझदार है और हैं कि जो वो ना दे सके वो मैं दे सकूँ तो कूँ, अब तू कोई बात की चिंता ना है, और तुझे पकड़ में तो कूँ ऐसी राग रगड़ी खजूर फजूर तो सब चीज़ ला के दूँ, तू बातें कहने की जरूरत ना है, जो चाहिए नो समझ के मैं बाकी जगह मैं आऊँगा। अब सुन जे सामान धरी हो और चल तू, मैं तू अंदर अंदर ले चलूँ, चल और जब बताऊँ तो कूँ अंदर समझाऊँगा तू को अच्छी तरह बैठा के अपने पास। तो पिताजी ने हद ही कर दी,
बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? ये इतनी उम्र में भी आके पिताजी को शर्म नहीं आती, अपनी बेटी समान बहू पे इतनी गंदी नजर, छी मुझे शर्म आती है ऐसे ससुर को पापा से ये कहते हुए। अब कुछ भी हो जाए, मैं ये कहानी अपने पति के सामने जरूर ला के रखूंगी। मेरा पति तो मेरी बात कोई सुनता नहीं, किसी ना किसी को मुझे ये बात जरूर बतानी पड़ेगी, मैं किसी को बताऊंगी। रामा चाचा। अरे बेटा राम 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 और सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है बेटा। दूध बहुत बढ़िया जा रहा है? अरे खूब जा रहा है, खूब बट रहा है दूध। बहुत बढ़िया। हाँ पी रहा है? बहुत बढ़िया। और सुनाओ? बस सब बढ़िया, बस फर्स्ट क्लास चल रहा है। मौज बाहर है, मौज बाहर है फौरन। और आजकल बूढ़े क्या कर रहे हैं तुम्हारे बूढ़े? अरे हमारे पापा है? पापा का चुना है बैठे रहते घर में। तुम दुबलो पतलो कैसे है रोए? मेहनत कर रहा हूँ आजकल ज्यादा। तो इतनी मेहनत कर रो है? अरे तो दूध बहुत पी यार वो मेरा तुम्हारा दूध पीवे तो कहा जाऊंगा? अरे मोटो है जाए, भैंसे भाई मैं खल बिनोले पिला रहा हूँ। तुम्हारे दूध में कहा है फिर? अरे मेरे दूध में बहुत कुछ है, देख तू तो देख कितना दूर है रहा, ऐसा हो जाएगा देख। अरे नस निकल रही मेरी। अरे तेरी नस निकल रही है ये देख। तो फिर कल दे लगवा लूंगा फिर। ठीक है ठीक है ठीक है। ना तो भैंसे बुड्ढो पागल हो गई। पिताजी पिताजी। हाँ बहू बहू कुछ मंगाना है क्या बाहर से? पिताजी मुझे कुछ मंगाना नहीं है। तो आज ना मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है और थोड़ा मैं ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हूँ। ब्यूटी पार्लर? आज पिताजी ना मैं ब्यूटी पार्लर पे ना चमक जाऊंगी। चमक जाऊंगी? हाँ ऐसी चीज है तो हमें भी बता दे, हम चमक जाऊंगी ने। पिताजी वो ना औरतों के लिए होता है बस। अच्छा औरतों के लिए है? हाँ। अच्छा तो तू फिर ऐसा है कि अच्छी तरह तैयार है कि आई है ना जे सब चेहरा वेरा अच्छी चुटिया बना के अच्छे नए कपड़ा पहन के। हाँ पिताजी मैं एकदम अच्छी हो जाओ, सुंदर है कि आएगी। हाँ। है गोरी चिट्टी। हाँ तो जल्दी जा फिर, मैं इंतजार करूंगा। मैं भी नेक दाढ़ी फाड़ी सी बना आऊंगा। हाँ, हाँ, और देखूंगा कहा देखा है। हाँ, आज तो उन्हें जाने चमकेंगे। ठीक है पिताजी मैं पार्लर जाती हूँ। हाँ तो पैसा पैसा तो लगेंगे वहाँ में? पैसा चाहिए तो बता। नहीं पिताजी मेरे पास पैसे हैं। पैसे की चिंता मत करिए, तू पे हुए और घर में रखे का उनमें से ले जाए चित्ते छाते खच कर मेरे। आज गोरी है कि आई? हाँ पिताजी मैं चमकनी है कि आई खूब। आज मैं तू तो मां जा और मैं अपना वो घर को देखो। ठीक है पिताजी, जल्दी 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 आई हो। हाँ अरे देख, अरे भाभी तुम क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं। तुम तो बहुत दिनों में दिखाई दी हो, आजकल तो तुम दिखाई भी नहीं देती हो। हैं? हाँ दीदी मैं घर पर ही रहती हूँ। अच्छा। हाँ। मैं तो गांव में ही लंगड़ी वंगड़ी खेलती रहती हूँ, तब भी नहीं दिखाई देती तुम मुझे। मैं तो देख, मैंने हो सकता है मैंने अपने मायके वायके चली गई होंगी शायद। भाभी हाँ दीदी घबराई सी क्यों लग रही हो तुम मुझे? कोई बात हो गई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। नहीं फिर भी तुम मुझे बताओ तो क्या बात है, मुझसे तो शेयर कर ही सकती हो तुम सारी बातें। आप किसी से बोलोगी तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं बोलूंगी। और तुम परेशान मत हो, सारी बातें मुझे बताओ। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा तुमसे? ये हमारी इज्जत वाली बात है और हमारी फैमिली की बात है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। बोलो। जो हमारे पिताजी है ना, तुम्हारे ससुर, मेरे ससुर, वो उनकी नज़र बहुत गंदी है मेरे ऊपर, बहुत गंदी गंदी नज़रें करते हैं और मुझे बहुत गंदी नज़रों से मुझे छूते हैं वो। यानी कि तुम्हारे साथ बदसलूकी करते हैं? मुझसे बहुत बदसलूकी करते हो। मैं अपने पति को बताती तो वो यकीन ही नहीं करते मेरी बातों पे। मैंने बताने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते दीदी, मैं किससे बोलूं? तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारा साथ देने वाली। अब वो तुम्हारा पति सुनेगा, जरूर सुनेगा तुम्हारी। अब से पहले नहीं सुन रहा था लेकिन अब जरूर। और ये चीज़ तो खैर मैं भी जानती हूँ कि ताऊ जी की आदत बड़ी गंदी है, मैं भी जाती हूँ तो मुझे भी छेड़ते हुए बगैर मानते नहीं है वो। दीदी पति पर तुम परेशान मत हो, ठीक है ना? पति खेतों पे चले जाते काम करने के लिए, सोई मेरे बेडरूम में अंदर आ जाते हैं और मुझे गंदी नजरों से छूने लग जाते हैं। ठीक, आज का जमाना कैसा आ गया है, बेटी जैसी बहू पे ऐसी गंदी नजर डालते हुए। एक प्रधान की बेटी हूँ मैं और मैं किसी प्रधान से कम नहीं। चलो मेरे साथ, सबक तो मैं सिखाती हूँ क्या होता है इन चीजों का अंजाम। चलो मेरे साथ चलो। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो? अरे चाचा जी बस। ये लल्ली कौन है? ये भाभी जी है उनकी। अरे ये रजुआ की बीबी है, धर्मपाल ताऊ है ना उनके बेटे की बहू। मालूम है। हाँ, बता। ये तो
इतना अनर्थ हो रहा है हमारे गांव में, और तुम तो चाचा जी जानते हो कि मैं एक प्रधान की बेटी हूँ, और मैं ऐसे अत्याचार होते हुए मैं किसी पे नहीं देख सकती। हाँ बिल्कुल मत देख, क्यों बता तू, मुझे भी तो बता क्या अत्याचार हो गया। धर्मपाल ताऊ को शर्म नहीं आई अपनी बेटी जैसी बहू पे ऐसे गंदे काम करते हुए, टॉर्चर करते हैं उसके बेडरूम में, छी छी छी, मुझे तो कहने में शर्म आ रही है। अच्छा हाँ, वो धर्मपाल है ऐसा, और घर से बाहर नहीं निकलने देते। वो तो बिचारी आज बहाना करके निकली है घर से बाहर, तब मुझे पता लगी, वरना ये तो वहाँ सड़ सड़ के गल गल के उसी आग में बुझ बुझ के मर जाती है एक दिन। अरे ऐसे कैसे मर जाएगी मेरे होते हुए? चलो चल तू मेरे साथ, चल तू धर्मपाल के घर, मैं देखूंगा रजुआ को भी। आओ भाभी मेरे साथ। अरे तुम सब कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है, सब ठीक तो है? हाँ ठीक ही होता तो हम इस तरीके से नहीं जा रहे होते, ठीक है ना? क्या मतलब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ये, हैं? समझा दे इसे। समझाऊंगी भी, हैं? और तू है का, तू घर से बाहर कैसे निकली? क्यों, कैद कर रखा है, खरीद के लाया है इसे, हैं? तुझे तो शर्म है ही नहीं, तुझे तो शर्म है या कुछ है नहीं, अपनी बीबी के साथ अपने बाप पे बदसलूकी कराते हुए, अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा? तो ना मर दे, और अपने बाप को छोड़ रखा है इसके पास, हैं? अरे देवी जैसी पत्नी तेरी। अच्छा तो तू इन सबको गवाह बना के लाई है, तेरी हिम्मत? हाथ नीचे रख, और हाथ उठाने की अगर गलती करी ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगी, भूल जाऊंगी कि तू इस गांव का बेटा है, समझ में आ गई ना? अरे एक औरत पे हाथ उठाने में शर्म नहीं आती है? तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तेरी बीवी के साथ क्या क्या होता रहा उस घर में, और तू चुपचाप देखता रहा? पूछ इससे, इसके साथ क्या क्या होता रहा, और तू? इनको शर्म क्यों आएगी, इनसे मैंने क्या बार नहीं बोला, कितनी बार नहीं बोला कि तुम्हारे पिताजी मेरे पे गंदी नजरें डाल रहे हैं, मुझे गंदी नीयतों से छू रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। क्या तुमने मेरी बातों पे यकीन करा? नहीं किया ना, मजबूरन मुझे बाहर बोलना पड़ा। अगर तुम मेरी बातों को सुनते तो मुझे किसी और से कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम मेरे पति हो? हाँ। अरे तुम मुझे नहीं पता। अरे पति तो अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए सात फेरे लेता है, इसलिए नहीं कि उस पे अत्याचार होते रहे और पति से सच्चाई बताई जाए तो माने ही ना। वाह, आज के पति के लिए तालियां। तुम्हें यार शर्म आनी चाहिए, घर में क्या हो रहा है, अपने बड़े बूढ़ों पे भी नजर रखनी चाहिए। तुम अभी बालक हो यार, हैं? मगर इतने भी बड़े बालक ना जो अपनी धर्म पत्नी को इस बारे में उसकी सोच ना समझ सको। वो जो कह रही है तुम उसकी बात समझने के लिए तैयार ना, तुम पति के नाम पे कलंक हो। चलो चाचा जी, मैं कह रही हूं कि एक बार घर चलो। मेरी आंखें खुल गई, आप सब लोगों ने मेरी आंखें खोल दी और पूछा, मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच नहीं जान पाया था कि मेरे पिता कैसे हैं, पर आज आप सब लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। एक बार अपने पिताजी से भी मिल लो जाके, चलो मेरे साथ। आप सब लोग चलो, मैं जरूर, क्योंकि उनके सामने भी ये सच्चाई आना बहुत जरूरी है। चलो चाचा से मिलते हैं, चलो। रुक जाओ, इसे अभी पता लग जाएगा कि हम झूठ बोल रहे थे या सच। हाँ दीदी। पूजा आप जाओ पहले, तुम जाओ भाभी। पहले मैं जाऊँ अंदर? हाँ, घबराना मत, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ, ठीक, अभी पता चल जाएगा। पिताजी, पिताजी। हाँ 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 बेटा, हाँ आ गई। हाँ पिताजी आ गई। मगर तू पहले की तरह देसी की वैसी है ना, गोरी भाई ना वो भाई है ना, बाल सेट करा के आई। तू कह रही कि पार्लर में जाऊंगी, गोरी चिट्टी होगी। देखिए हाथ भी वैसी की वैसी हैं तेरे, पतले पतले, और गोरी ना क्रीम लगाई, वो पार्लर दुकान बंद थी, और ना लिपस्टिक लगाई है। आज तू कैसे तैयार रहने गई, और समझ में ही ना आ रही मेरे तो, और ना तू ना कपड़ा बदले है। बस पिताजी, बहुत हुआ। पूजा बेटा, बेटा वो मैं ये कह रहा था कि काम। अरे बेटा गया पहाड़ में। अरे अरे मैंने क्या सोचा था कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सब देख लिया मैंने, अपनी आंखों से देखा है पिताजी, तुमने रिश्तों की मर्यादा को चूर चूर कर दिया। तेरी गलत फहमी है बेटा। अरे गलत फहमी तो जब होती ना कि जब मैं अपनी आंखों से नहीं देखता,
बस करो ताऊ जी, बस करो। अब धर्मपाल तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे डूब के मर जाना चाहिए। बहू बेट बहू बेटियों के साथ ऐसे तू हरकत करता करता है गाँव में, तू हैसलाक निकलने लाख। अब चाचा जी बस, मैंने क्या सोचा था कि मेरे पिताजी जैसा पूरे गाँव में नहीं है, और आज मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो। और ताऊ जी ये तो तुम्हारी बेटी जैसी है भाभी, अपनी बहू में और बेटी में क्या फर्क है, बस इतना ही कि वो किसी दूसरे के घर से आई। बेटा मुझे माफ, अरे मत कहो बेटा मुझे, बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। पिताजी मुझे माफ कर दे, सब लोग मुझे माफ कर दे। आपकी बेटी के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? बेटी मुझसे जो हुआ उसको माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। बेटा मुझसे गलती हो गई, बेटा मुझे पैर पड़ता हूँ, बेटा मुझे माफ कर दे, बेटा मुझसे गलती जो हो गई है उसको माफ कर दे। पिताजी गलती वाली बात नहीं है, पर बात यह है अगर कोई ऐसी बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? बेटे ये बताने वाली बात नहीं थी, मेरी आंखों का कुछ धोखा हो गया था, तो इस वजह से मैं कर बैठा गलती। बहू मैं अब तुझे बेटी के समान रखूंगा। अब हाथ मत जोड़िए हमारे। कोई बात नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं, आपकी जो सुबह का कर दे, माफ कर दे रहा है। सुबह का पूरा शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। माफ कर दे, मैं आप लोगों से भी माफ करने के लायक नहीं है, मगर माफ कर दे, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छा भाभी हम चलते हैं। अच्छा भैया, अच्छा ताऊ जी कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करना ना बेटा, गलती तो सारी आपसे हुई है। बेटे सारी गलती मेरी थी, जो मेरी गंदी निगाह थी, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, आज के बाद तू मेरी बेटी जैसी है। गलती तो सबसे होती है मेरी बेटी। कोई बात नहीं, जो हो गया भूल जाइए इन बातों को। बेटी तू अच्छा है कि बाहर चली गई और तूने उनको बता दिया, नहीं तो मुझ जैसा कमीना नालायक ससुर कहलाने लायक ही नहीं रहता। कोई भी अपनी ससुर पे विश्वास नहीं करेगा कि घर में अकेली छोड़े। तो बेटी मैं यही चाहता हूँ कि तू मुझे माफ कर दे, और आज के बाद कोई भी ससुर ऐसा। मैंने आपको माफ कर दिया पिताजी, माफ कर दिया, आप इतना परेशान मत हो पिताजी। बेटे तू भी मुझे माफ कर दे पिताजी, रोज मन मेरे बच्चे, मुझसे जो गलती हुई है उसका भुगतान तो मुझे करना चाहिए, मगर तुम लोगों को कुछ ना हो, मैं यही चाहता हूँ। देखा दोस्तों, यही समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं। दोस्तों सबसे पहले यही है कि हमें समाज के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देना है, इस तरह की घटनाओं को रोकना है। बहुत सारे गांव में अक्सर इस तरह की घटनाओं को सुनने को मिलता है कि कहीं बहुएं जो हैं इस तरह के कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं और ससुर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों आप सबसे यही गुजारिश है कि हमारी इस कहानी को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें चैनल, और प्राइमस कैसेट की तरफ से, प्राइमस कंपनी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने इतना हम सबको प्यार दिया है। दोस्तों एक बात और, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, बहुत सारे इस तरह के मोड़ आएंगे, इस तरह की सारी चीज़ आएंगी, कभी भी क्राइम को बढ़ावा ना दो। जब तक के लिए जय हिंद।